everybody. Welcome to MJS Defense Academy. From today onwards, we'll be starting with our English class. So let's start with our English class. And the ones who are new, don't forget to subscribe and hit that bell icon. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट रूल की. अब आप लोगों ने कमेंट किया एंड आई रियली लाइक डेट कि आप लोगों ने इतने ढेर सारे कमेंट किए. देखिए, जब आप कमेंट करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि आपको और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किन रूल्स में आप कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं. तो जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, हम लोग वो वीडियो शूट करके अपलोड करते रहेंगे. मानते हैं कि लॉकडाउन है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन भाई पढ़ाई में डाउन क्यों होंगे? पढ़ाई तो हमारी वैसे ही चलती रहेगी. MJS Academy has promised कि वो आपके लिए कंटेंट देती रहेगी. आपकी पढ़ाई में कहीं भी ब्रेक नहीं आना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना. लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था, कई बच्चों ने अलग से भी हम लोगों को मैसेज किया है, कम्युनिटी में कमेंट आया है कि हम लोग एल्डर और ओल्डर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, तो हम एल्डर कहाँ लगाएंगे और हम ओल्डर कहाँ लगाएंगे. देखिए, अगेन वही सिस्टम लेके चलो. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने ही कमेंट किया था उस दिन. अनिकेत मेरे से पूछ रहा था कि मैम भूल ही जाते हैं, एल्डर का भी तो मतलब होता है कोई उम्र में हमसे बड़ा है. मैम ओल्डर में भी तो वही है कि कोई हमसे वो एज में बड़ा है. हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने कि कोई एज में हमसे बड़ा है, पर इंग्लिश में कब एल्डर यूज़ करेंगे कब ओल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. आप ही में से कुछ लोगों ने याद दिलाया कि मैम ये क्वेश्चन भी देखिए हर सेकेंड ईयर आज आ रहा है. बिल्कुल आ रहा है बेटा, इसीलिए आज हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे. अब एल्डर देखिए हमने फ्लो चार्ट में क्या लिखा है, एकदम क्लियर. यूज्ड बिफोर द नाउन, नाउन के पहले लिखा जाएगा जिसके साथ ये यूज़ करेंगे. और ओल्डर कहाँ हो रहा है, आफ्टर द नाउन आ रहा है. Used with real relations. अब real relations की definition हम लोगों ने क्या पढ़ रखी है noun में, हमारे वो relation जिनके साथ में हमारा blood से connectivity होती है. हमारे माता पिता हो गए, हमारे भाई बहन जिनको हम लोग siblings भी कहते हैं, इस तरह के relation हमारे real relation कहलाते हैं. जबकि older used with all relation. अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, जब हमने कहा ऑल रिलेशन तो मैथ्स के हैं आप लोग, वेन डायग्राम पढ़ा है, ऑल में क्या आता है, ऑल में रियल वाले भी आएंगे. तो रियल भी और रियल के अलावा भी. इसके अलावा याद रखिए, एल्डर वर्ड कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए यूज़ नहीं होता है, जबकि ओल्डर यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए. तो अब आजकल उमंग भैया कहाँ हैं, तो उमंग भैया हैं दिल्ली में, और उमंग भैया मयंक सर से बड़े हैं उम्र में. तो मयंक सर एल्डर ब्रदर इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है. और एल्डर ब्रदर नाउन के पहले आ गया, और ये नाउन हमारा कैसा है, हमारे रियल रिलेशन में है. तो हमारे बड़े भैया इस वक्त कहाँ पर हैं, दिल्ली में हैं. एल्डर वर्ड का यूज़ हमने किया, पहली चीज़ हमारे रियल रिलेशन के लिए यूज़ कहाँ किया, नाउन के पहले. और तीसरा पॉइंट, कंपैरिजन हो रहा है कहीं, नहीं. अब आते हैं देखिए दूसरे उस पर, उमंग भैया ठीक बड़े हैं मयंक भैया से, तभी तो हम लोग भैया लिख रहे हैं. कितने बड़े हैं, भाई 6 साल बड़े हैं वो. ओल्डर दैन मयंक सर बाय 6 ईयर्स. तो चक्कर क्या है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अब हमने देखो एल्डर नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, ओल्डर लिखा है. और वो हमारे नाउन के बाद में आ रहा है, और वो हमारे दोनों भाइयों को कंपेयर कर रहा है. तो उमंग भैया और मयंक सर को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑल रिलेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ किया, ओल्डर यूज़ कहाँ किया, नाउन के बाद में. अच्छा, अब इसमें देखो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है. अगर हम रियल रिलेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो हम ओल्डर यूज़ कर रहे हैं, जबकि अगर हम किसी अन्य रिलेशन को भी कंपेयर करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ओल्डर ही यूज़ करेंगे. तो मयंक सर इज, अनिकेत ये तुमने पूछा था ना क्वेश्चन, तो मयंक सर इज ओल्डर दैन अश्विनी सर. अश्विनी सर से भी मयंक सर बड़े हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये अदर रिलेशन है और हम कंपेयर कर रहे हैं. तो एल्डर ओल्डर का देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले एक बात पकड़ना कि ये हम रियल रिलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या अदर रिलेशन के लिए. दूसरी बात ये देख लेंगे कि हम उसे कंपेयर कर रहे हैं या हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, नाउन के पहले लिख रहे हैं या नाउन के बाद में लिख रहे हैं. ईजिली ये चीज़ समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई, फटाफट फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं.
कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ है। एल्डर यूज़ हो रहा है किसके साथ, आदमी के साथ में, रियल रिलेशन के साथ में, और कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ओल्डर किसके साथ यूज़ हो रहा है, सारे रिलेशन के साथ में, रियल रिलेशन भी और अलग से, और मेन चीज़ क्या है वो कंपेयर किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, प्लीज़ वहाँ पे लिखिए कमेंट में कि हाँ आया, अगर नहीं आया तो नो लिखिए, प्लीज़ लेट अस नो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। उसी के अकॉर्डिंग तो देखिए हम लोग, अगर आप कहेंगे हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, आपको क्वेश्चनेयर्स चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल नाउ। तो अब नेक्स्ट रूल पर हम लोग आते हैं। अब अगेन उस दिन अगेन कमेंट सेक्शन में एक रूल पूछा गया था, कुशाग्र ने मुझसे पूछा था कि मैम आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी होता है। नहीं बेटा, ओवर नहीं होता है। रीज़न अगेन, ये एक एक्सेप्शन रूल है, ठीक। हम लोगों ने देखिए क्या तय किया था, हम लोग 5 एक्सेप्शन रूल्स लेंगे, वो वाले जो एडजेक्टिव्स में हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा रूल है यूज़ ऑफ टू। अब अगर हम लोग सिंपल रूल पे आए तो हम जब भी कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, दैन, टॉलर दैन, वाइजर दैन, मोर ब्यूटिफुल दैन। अब यहाँ हम दैन ना यूज़ करके ये प्रेपोजिशन टू यूज़ कर रहे हैं। कैसे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक। सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन दिख रही है आप लोगों को, सफिक्स आई ओ आर। एडजेक्टिव सफिक्स में अगर आई यू आर आ रहा है तो वो है लैटिन एडजेक्टिव। हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि भैया ये तो लैटिन भी है। अब क्या है ना, अंग्रेजी अमेलगमेशन है, यानी मिक्सचर है भाई भाषाओं का, प्योर लैंग्वेज नहीं है। प्योर लैंग्वेज कौन सी है, जीएस का क्वेश्चन पता है, संस्कृत है हमारी प्योर लैंग्वेज। एनीवेज, कमिंग बैक टू आर इंग्लिश, तो अगर आई ओ आर आ रहा है सफिक्स में तो हम दान का प्रयोग नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे का मतलब नहीं करेंगे। अगेन अगर आप लोगों को होता है, मैम इस एक्सेप्शन का कोई एक्सेप्शन नहीं है भैया, हाई नहीं, बस जो है यहीं पर है, ठीक। तो क्या लगाएंगे हम, सिर्फ टू लगाएंगे। आई एम, चूंकि मैं मयंक सर से बड़ी हूँ तो आई एम सीनियर दान नहीं, सीनियर टू मयंक सर। ओल्डर एल्डर में हम लोगों ने क्या किया था, I am older than Mayank sir, लेकिन अगर हमने senior word का उपयोग किया तो हम than नहीं लगा रहे, senior to, older than senior to। Concept clear हुआ कि नहीं। अश्विनी sir is junior to, भाई अश्विनी sir छोटे हैं Mayank sir से, मेरे से, तो अश्विनी sir is junior to Mayank sir। Mayank sir is older than अश्विनी sir, अश्विनी sir is junior to Mayank sir। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, वहाँ दान लगा रहे थे ना हम लोग, पर यहाँ क्या लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं। मयंक सर्स वीडियो वॉज अपलोडेड प्रायर टू माई वीडियो, हमारे वीडियो से पहले अपलोड किए गए थे। आई प्रेफर, अब अगेन आप कहेंगे मैम ये सब तो सही है, चलिए आई यू आर, मैम ये कहाँ से आया, लैटिन नहीं है ये, इंग्लिश का ही है। ये है एक्सेप्शन के अंदर का एक्सेप्शन, कि सारे लैटिन एडजेक्टिव में एक वर्ड कहाँ से आ गया, इंग्लिश से आ गया हमारा, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक वर्ड लर्न करना है हम लोगों को कि प्रेफर वर्ड के साथ में या प्रेफरेंस वर्ड के साथ में भी हमें टू लगाना है। कुशाग आपने कमेंट किया था कि मैम ओवर लगता है, ओवर नहीं लगता है बच्चे, वहाँ पे क्या लगेगा, आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी नहीं, टू टी। ऑन दी अदर हैंड मयंक सर प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, दान नहीं लग रहा, ओवर नहीं लग रहा। तो एकदम सिंपल, बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से समझिए, इन वर्ड्स को लर्न करो। और लर्न भी क्या करना है, देखो रिटन पेपर आना है, कोई बोलना तो है नहीं आपको, वहाँ पे कहीं कोई ऐसा एडजेक्टिव दिखे जिसमें एंड में क्या आ रहा है, आई ओ आर। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, क्वेश्चन उतने में से घूम के आता है, अलग से खुद सोचो, एग्जामिनर अपनी एक अंग्रेजी लेकर आएगा, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा, नहीं भैया यही रूल है, वहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा। आई यू आर वाला सफिक्स लर्न रखिए, आई यू आर कहीं भी दिखता है तो हमने क्या लगाना है, टू लगाना है, दैन या ओवर नहीं लगाना है। और इस पूरे रूल का एक्सेप्शन पार्ट क्या है, वो रहा ये, इसको ध्यान रखेंगे, प्रिफर वर्ड के साथ भी हम दैन नहीं लगाएंगे, ओवर भी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगेन
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न करिएगा, रिवाइज करिएगा। अगर फिर भी लगता है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ या ना लिखिए, बताइए कि समझ में आ रहे हैं रूल्स या नहीं आ रहे हैं। हम लोग और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, आपके लिए लेकर आते रहेंगे जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट रूल में देखिए क्या है, मैंने तीन वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे, लेट, लेटर और लैटर। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ तो मैंने कैसे बोला लेट, लेटर, लैटर, वहाँ प्रोनंसिएशन तो कोई नहीं करेगा, आपको लिखित मिल रहा है पेपर। तो लेट तो देखिए एकदम क्लियर वर्ड है, लेट का मतलब देरी और या फिर जो गया, ठीक। तो आई एम गेटिंग लेट, क्लास में देरी से पहुँचते हो, क्या पूछता है टीचर, भैया लेट काहे आए हो, बोलता है लेट ना, तो यानी देर से क्यों आए हो। ये शब्द एकदम अलग है, स्पेलिंग अलग है और इसको इतना यूज़ किया गया है, तुम में से हर कोई क्लास में इतनी बार देर आया है, यहाँ तक कि वीडियो देखने तक तो लेट आते हो भाई, टाइम से आया करो, पहले से नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, बेल आइकन इसीलिए दबाने को बोला है, सब्सक्राइब करने को बोला है, नोटिफिकेशन मिलेगा, टाइम से आप आ जाइए, ठीक। चलिए, तो आई एम गेटिंग लेट का मतलब मुझे देर हो रही है, तुम देरी से क्यों आए हो, वाई आर यू लेट इन द क्लास टुडे। लेट कभी कभी किसी नाउन के आगे भी यूज़ कर सकते हैं, और जब किसी नाउन के आगे हम लेट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो व्यक्ति मृत हो गया है। तो यानी याद होगा आपको, अभी पिछले वर्ष सुषमा स्वराज जी की डेथ हो गई थी, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम मिसेस सुषमा स्वराज नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे लेट मिसेस सुषमा स्वराज। तो आर लेट फॉरेन मिनिस्टर वॉज अ डायनेमिक लेडी। देखिए हमने यहाँ वॉज का इस्तेमाल किया है, क्यों, क्योंकि अब वो पास्ट में हो गई हैं और उनके नाम के पूर्व लगाया मतलब वो मृत हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। क्लियर हुआ सबको। अब लेट में आर लगा तो वर्ड बदल चुका है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना है भाई। कई बार तुम लोग नहीं समझते हो बच्चा लोग, ठीक, कि मैम लेट लेटर लेटेस्ट हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं होता है, लेट का कंपैरेटिव लेटर नहीं है, ये एक अलग वर्ड है दरअसल। तो मयंक सर केम लेटर दैन आए, मेरे बाद में आए हैं, देरी से आए और ज़्यादा देर से आए नहीं हो रहा है, वो बाद में आए। देखो अभी तक क्या था, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यानी अकलमंद हैं, ज़्यादा अकलमंद और सबसे ज़्यादा अकलमंद, तो देरी से आए और ज़्यादा देरी से नहीं आए, क्या हो गया है मीनिंग, बाद में आए, ये वर्ड एक अलग वर्ड यूज़ होगा। तो मयंक सर केम लेटर दैन आए, अब यहाँ पे एक और हो जाता है, क्योंकि जब तुम लोग बोलते हो, इवन मालूम है हम भी कभी कभी बोल जाते हैं, बोलने में तो सबका स्लिप ऑफ टंग क्या होता है, ज़बान फिसल जाना। तो मयंक सर केम लेटर दैन मी नहीं है, ख़ासतौर पे CBSE वाले, ICSE वाले बच्चे थोड़ा भाई ध्यान रखो, मी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मयंक सर के लिए हमने क्या लिखा है, ही, तो हम ही को कंपेयर किससे करते हैं, आई से करेंगे कि नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन कंपेयर हो रहा है फर्स्ट पर्सन से, सब्जेक्ट कंपेयर हो रहा है सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से कैसे कंपेयर हो सकता है। कमेंट सेक्शन में जाइए और ये रूल याद आया कि नहीं प्लीज़ लिखिए, ठीक। इसके अलावा भी फिर भी आपको लगता है कि इस रूल में आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं क्लियर हो रहा है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग देखिए बार बार इसीलिए बोलते हैं, आप कमेंट करेंगे हम वीडियो उसी के अकॉर्डिंग अपलोड करते रहेंगे। MJS का कमिटमेंट है कि जो कुछ आपको चाहिए हम वही चीज़ डिलीवर करेंगे। लॉकडाउन में वैसे भी होम डिलीवरी चल रही है ना, MJS डिलीवर करेगा। एजुकेशन की जितनी चीज़ जो कमिट की हमने, वो आपके डोर स्टेप पर आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं हम लोग एक और वर्ड जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे एक टी लिखा है और यहाँ पे डबल टी लिखा हुआ है, और इसके साथ मैंने एक वर्ड और यूज़ किया है, फार्मर। प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज द वर्ड विद द वर्ड फार्मर। फार्मर मतलब कृषक, तो ये फार्मर नहीं है, ये है फार्मर। फार्मर और लैटर ये एंटोनिम भी हैं। अब आते हैं हम लोग यूज़ पे, तो मयंक सर एंड उमंग आर ब्रदर्स। अब अगेन देखो हमने क्या लिखा है, ब्रदर नहीं लिखा ना बेटा, हमने क्या लिखा, ब्रदर्स, क्योंकि कितने लोगों की बात हो रही है, एक मयंक सर, दूसरे उमंग भैया, तो कितने हो गए, दो लोग हो गए। तो मयंक सर एंड उमंग आर ब्रदर्स, दो है, हिंदी पे मत चले जाओ, हाँ यूपी बोर्ड वाले, मयंक सर एंड उमंग भाई हैं, भाई हैं, ठीक है हिंदी में होता है, वहाँ छोड़ दो, पर यहाँ पे वन एंड वन कितना बना,
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाले पे मत जाओ, यहाँ एक वचन के बाद सीधे बहुवचन है, तो ब्रदर्स आएगा। बट द लैटर, तो लैटर क्या हो गया, बाद वाला, इज मोर हैंडसम दैन द फॉर्मर, तो बाद वाले ज्यादा हैंडसम है पहले वाले से। अब बाद वाला यहाँ पे कौन सा नाउन लिखा है, उमंग, पहला वाला क्या लिखा है, मयंक सर। अब बाकी तो आप लोग लॉजिक लगा ही लेंगे दोनों भाइयों में ज़्यादा हैंडसम कौन सा है, ठीक है। मयंक सर के कमेंट सेक्शन में ये मत लिख देना जाके कि सर कौन ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल सिर्फ रूल याद रखेंगे, लेट का मतलब या तो देरी से है या फिर व्यक्ति देर ही हो गया, वो कभी नहीं आने वाला है। लेटर का मतलब क्या है, बाद में, और लैटर को कहाँ से कनेक्ट करेंगे, फॉर्मर से। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और देखें, लेट के साथ में कोई कंपैरिजन केस नहीं चल रहा है, लेटर के साथ में चल रहा है और लैटर के साथ में आपने यहाँ पे अगेन कंपैरिजन का यूज़ किया है। और नॉर्मली उसको हम यूज़ किसके साथ करते हैं, वर्ड फॉर्मर के साथ में, फॉर्मर ना इसके साथ यूज़ होगा ना इसके साथ यूज़ होगा। और कुछ बच्चे जो कभी कभी बिल्कुल ही भूल जाते हैं, भाई पढ़ा करिए, रिवाइज किया करिए, नोट्स इसीलिए मैं कहती हूँ स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवाइज करिए, उसके बाद आपके पास जो भी किताब है, नोट्स भी होंगे आपके इंग्लिश के, उसमें से जाके आप रूल्स को रिवाइज करके अपनी एक्सरसाइजेस को या पास्ट ईयर पेपर्स को एक्सरसाइज के थ्रू लगाइए। देखो बेटे, शॉर्टकट कोई नहीं होता है, हम जुगाड़ ज़रूर बता रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस किसको करनी है, आपको करनी है। प्रैक्टिस सेट उठाइए अपना जिस भी किताब का है और कहीं कुछ नहीं करना, एडजेक्टिव का चैप्टर खोलिए, आपको ये रूल तुरंत प्रैक्टिस में सामने दिखाई पड़ने लगेंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैम देखिए ये वाले नहीं हो पा रहे, वो वाले, गो इन द कमेंट सेक्शन, आप हमें अलग से कॉन्टैक्ट करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, हम सॉल्व करेंगे और वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हुई आपको। देखो हम लोगों ने क्या कहा था कि 5 एक्सेप्शन रूल्स हैं, अगर उतना कर लो तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3, कभी कभी 4 भी आ जाते, घूम फिर के इतने में से ही आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, स्क्रीनशॉट लेना और फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है। कुछ बच्चों के पास अगर प्रैक्टिस सेट नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो, हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, और अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्यों कहते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है ना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। हम तो साफ कहते हैं कमेंट में लिखिए, मैम नहीं समझ में आया, नहीं क्लियर हो पाया, तो कम से कम हम लोग फिर से आपके पास आके उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन होगा, भैया वो बेल आइकन इसीलिए उसे दबाइए, क्यों, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा, फिर आप लेट नहीं होंगे, ठीक। और मेन चीज़ क्या है, जब आप कमेंट सेक्शन में और सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चा हमसे कनेक्टेड है। और आपको इसके अलावा किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए, नोट्स के लिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, MJS डिफेंस अकेडमी कमिटेड है आपके लिए। तो एज आई सेड, लॉकडाउन में भी क्वेश्चन पेपर का, पढ़ाई का लॉकडाउन नहीं है, होम डिलीवरी सर्विस चालू रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ने में व्यस्त रहो।